जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ईश्वर का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए, तभी जीवन में सुख समृद्धि शांति आ सकती है। ईश्वर की निगाह आपके ऊपर तभी होगी जब आप ईश्वर को बार बार याद करते रहोगे। ऐसा कहा जाता है कि दुख में सुमीरन सब करे, सुख में करे न कोय। क्योंकि सुख रहता तो भी भगवान को याद करो और दुख रहता तब तो भगवान को याद आते ही आते हैं। आज हम ज्योतिष शास्त्र के ऊपर राहु के साथ में यदि शुक्र लगन में बैठ जाए तो क्या होता है, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र के राहु लगन में मेष लग्न की पत्रिका हो और उस मेष लग्न की पत्रिका में यदि राहु लगन में बैठा हुआ हो तो इसका साइंटिफिक विश्लेषण यह है कि मेष लग्न जो होता है मेष राशि कहलाती है और मेष लग्न जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो लगन में यदि मेष आ जाता है ना, एक नंबर लिखा हुआ होता है तो उसे मेष कहते हैं और यहां पर आग सिर पे बैठी हुई होती है ऐसा माना जाता है। तो ऐसे मनुष्य को एनर्जेटिक पर्सन होता है, धनवान होता है, राज सरकार से मान सम्मान सब कुछ मिलती है उसको, बड़े परिवार वाला भी हो सकता है, परंतु ऐसा व्यक्ति एक जगह टिक करके नहीं बैठता है। और ऐसा मनुष्य जो मेष लग्न की पत्रिका में राहु लगन में बैठा हुआ हो उसमें कामुक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी बलात्कार भी कर बैठते हैं और ऐसे व्यक्ति स्त्रियों को जरूर पटाते हैं और कई स्त्रियों से उनके शारीरिक संबंध रहते हैं, क्योंकि धनवान तो होता ही होता है, राहु धनवान भी करता है, उसी वजह से उसके पास में स्त्रियां आ भी जाती हैं। और धैर्यहीन होता है क्योंकि गर्म हो गया मेष यानी आग हो गई और उसमें राहु काला हो जाता है तो वह और बढ़ाता है, इसलिए उसमें धैर्य की कमी होती है। अस्त्र शस्त्र से चोट लगने की संभावना हो सकती है, इसलिए ऐसे मनुष्य को जिसका मेष लग्न में राहु बैठा हुआ हो ऐसे मनुष्य को शांति से काम लेना चाहिए। और राहु अंधेरा है, मेष लग्न की पत्रिका में राहु अंधेरा है, राहु धुआं भी है और राहु जो है पर्दे के पीछे छुपी हुई वस्तु भी है। तो राहु जन्म कुंडली के जिस भाग में बैठता है वहां पर भ्रम निश्चित करता है। तो यदि राहु लगन में बैठ गया तो वह दिमाग में दिल में भ्रम उत्पन्न करेगा या निश्चित है। तो मेष लग्न वाला राहु बहुत ही हृदय उदार हृदय वाला होता है, कब क्या कर बैठेगा किसी को मालूम नहीं होता है, वह अच्छा भी कर बैठता है बुरा भी कर बैठता है। और राहु की दशा में अपने जवानी में अनेक स्त्रियों के साथ भोग करता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका लगन में राहु रहता है वह अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं रहता है क्योंकि उसकी स्त्री उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में भी आनाकानी करती है, तो वह दूसरी स्त्रियों की ओर देखता है। तो लगन में राहु जिसका भी होता है चाहे स्त्री हो या पुरुष हो वह व्यभिचारी प्रवृत्ति वाला होता है, यानी चरित्रहीन मनुष्य होता है। और यदि राहु के साथ में लगन में शुक्र बैठ जाता हो और यदि स्त्री की पत्रिका में बैठ गया है तो मान करके चले उसका पति जो भी होगा वह डेफिनेटली चरित्रहीन होगा ही होगा। यदि उस स्त्री का यह मान करके चले कि यदि वो सिद्धांतवादी है तो फिर उसे ऐसे पुरुषों के साथ में विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि किसी पुरुष का राहु के साथ शुक्र लग्न में बैठा हुआ हो तो मान करके चले उसकी पत्नी स्वेच्छाचारी होगी, स्वेच्छाचारी यानी अपनी मर्जी से चलने वाली होगी, पति का कहना नहीं मानेगी और वो भी स्वतंत्र विचारों वाली होती है, भौतिकवादी सुख भोगने वाली होती है और
लेवरिश लाइफ को जीने वाली होती है, यानी कि चरित्रहीन, भौतिकवादी सुख, यानी कि शुक्र राहु की युक्ति लंपट योग कराती है लगन के अंदर बैठ करके। और मेष लग्न की पत्रिका में शुक्र राहु की युक्ति जो है, यदि पुरुष की के भाग्य में है तो जीवन साथी उसकी पत्नी जो होगी वह डेफिनेटली अन्य पर पुरुषों के साथ संबंध अवश्य बनाती ही बनाती है। और यदि कोई स्त्री के भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है लगन में राहु के साथ शुक्र है, तो यह मान करके चले उसका आदमी पराई स्त्रियों से संपर्क में रहेगा ही रहेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली बहुत गहनता से इस चेक करवाना हो कि कहीं अकाल मौत की संभावना तो नहीं है, एक्सीडेंट की संभावना तो नहीं है, तंत्र मंत्र काला जादू से मरने की संभावना तो नहीं है, तो कुंडली चेक कराने के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के उचित दक्षिणा के साथ में आप कुंडली चेक करवा सकते हैं, अपनी, अपनी पत्नी की, कि या फिर अपने बच्चों बच्चों की, कि वो कहीं पे चरित्रहीन तो नहीं है, या उनकी अकाल मौत होने की संभावना तो नहीं है, या फिर उनके घर में किसी की, जवान व्यक्ति की मौत होने की संभावना तो नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।